जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात कर रहे हैं सरसों के एक ऐसे उपाय की जिसको यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो आप समझिए आपकी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री, आपका ना चलने वाला व्यापार, आपको ना मिलने वाला कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिल रहा था आपके व्यापार में, ना मिलने वाली फ्रेंचाइजी, या आपकी ना कोई चलने वाली दुकान या कोई ऐसा ऑफिस। ये सारे उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये व्यापार से संबंधित हैं। यानी कि यह सरसों का उपाय ऐसे लोगों के लिए है जिनका किसी भी कारण से फैक्ट्री पर ताला लग गया, ऑफिस चलते चलते एकदम से बंद हो गया, हमने कोई व्यापार खोला वो व्यापार चल ही नहीं रहा और हमें बंद करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि आपकी दुकान पहले से बड़ी अच्छी चलती थी और चलते चलते वो एकदम से रुक गई है, यानी कि अब उस पर ग्राहकी नहीं हो रही है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह उपाय है और सरसों का यह किया गया उपाय एक बार आप करेंगे आपकी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री को चला देगा और आपके बंद पड़े हुए व्यापार या बंद होने के कगार पर पहुंचे हुए व्यापार को आपके जीवन में वो नई ऊर्जा डालने का कार्य करता है। यह उपाय आप जीवन में एक बार कर सकते हैं और एक बार करने से ही इसका जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी आप इस उपाय को करें तो बस आपको सावधानी बतौर करना पड़ेगा जो वीडियो में बताई गई है, जिस क्रम से जैसे बताया गया है यदि सेम उसी प्रकार से कर लिया जाए तो आप समझिए आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। जब भी आप किसी को भी अपने बारे में कुछ भी बताते हैं या अपने व्यापार के बारे में बताते हैं कि हमारा व्यापार बंद होने के कगार पर है, तो शायद वो आपकी सहायता ना करे, लेकिन यह उपाय अगर आपने सही से कर लिया तो यह आपकी 100% सहायता करेगा। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मित्रों हम बात कर रहे हैं व्यापार से संबंधित एक ऐसे उपाय की जो हमारे व्यापार में नई ऊर्जा डालने का काम करेगा। बहुत सारे प्रयास किए, कर्जा लिया, हमने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाने के बाद वो कुछ दिन तो चली लेकिन फिर धीमे धीमे एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन और बाद में पता लगा कि वो पूरी फैक्ट्री ही हमारी बंद हो गई और आज उस पर ताला लटक गया है। दूसरा, कोई व्यापार हमने शुरू करना चाह रहे थे और हमने शुरू भी किया लेकिन वो व्यापार हमारा चला ही नहीं, वो व्यापार भी हमारा बंद हो गया, उस पर भी ताला लग गया। या हमारा कोई ऐसा व्यापार जो पहले से चल रहा था, पहले से कोई काम चल रहा था, वो काम हमारा चलते चलते अब रुक गया है और हमें बहुत परेशानी उससे हो रही है, यानी कि ग्राहक अब हमारे पास आता ही नहीं है, पहले हमारे पास भीड़ रहती थी। दूसरा, आपके पास कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं, यानी कि नया कोई काम करने के लिए चीजें बन ही नहीं पा रही हैं, वो पुराने धरे पर ही आपका सब कुछ चल रहा है जिससे आपके जीवन में समस्याएं व्यापार में हो रही हैं। सरसों का यह उपाय आपको करना है और यह उपाय जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सेम उसी तरीके से किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। क्या करना चाहिए आपको, यह करना है कि आपको पीली सरसों लेनी है और पीली सरसों आपको लेनी है अपनी इच्छा के अनुसार, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम अपने हिसाब से ले सकते हैं। और वो हिसाब कैसे पता लगेगा कि कितनी लेनी है आपको, यस करना कैसे ये समझ लीजिए, फिर आपकी समझ में आएगा कि कितनी सरसों आपको लेनी है। आपका जहां पर प्रतिष्ठान है, आपकी जहां पर दुकान है या जहां पर आपका ऑफिस है, उससे कुछ दूरी पर या तो कोई मोड़ होगा या कोई छोटा चौराया होगा या कोई गली होगी, जहां से भी आपके यहां पर ग्राहकी आती है, जहां से भी आपके पास क्लाइंट आते हैं, ऐसी जगह तो उसकी दूरी आप अपने यहां से देख लीजिए, 100 कदम है, 200 कदम है, 50 कदम है, वो आप देख लीजिए कि कहां से टर्न होके ग्राहक आपके यहां आता है, कहां चौराया पड़ता है कोई छोटा, वहां से मुड़ के हमारे यहां आता है, या जहां से किसी गली में से अगर कोई ग्राहक या ग्राहकी आपकी होती है या आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट आता है, वहां की दूरी कितनी है, उसके अनुसार आप अपनी सरसों लीजिएगा। करना क्या है कि आप सरसों का पैकेट जब लेंगे या खुली सरसों लेंगे तो आप उसको एक पॉली बैग में या किसी कागज के थैले में आप रख लीजिए और आपको बस इतना करना है, यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, इसमें दिन की कोई भी पाबंदी नहीं है, इसमें महिला की और पुरुष की भी कोई पाबंदी नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जिस जगह से आपका क्लाइंट मुड़ता है, जिस जगह चौराया है या जिस जगह गली से क्लाइंट आपका आता है, उस जगह पर आपको वो पीली सरसों लेके जानी है और उसमें कोई एक छोटा सा छेद कर लीजिए जिससे कि सरसों गिरती रहे नीचे, और अपने हाथ में पकड़कर बिना किसी के टोके उस सरसों को थोड़ी 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 गिराते हुए चले आइए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सरसों लगातार गिरती रहे और सरसों जब आप अपने मुख्य द्वार पर आ जाए अपने प्रतिष्ठान के, तो वहां पर बची हुई सरसों को बिखेर दीजिए, वो 4 दाने बचे हैं, वो 10 दाने बचे हैं, वो 50 ग्राम बचे हैं, वो वहां पर बिखेर दीजिए और उसके बाद अपने ऑफिस में आके बैठ जाइए। ध्यान बस इतना रहना चाहिए कि कोई भी आपको टोकना नहीं चाहिए, यदि आपको कोई टोकता है तो आपको उसका रिस्पॉन्स उस समय पे नहीं करना है और चुपचाप से यह उपाय करना है, और छुपा के करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से यह उपाय हो पाएगा। आप इस उपाय को
स्कूटर मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे आप स्कूटर बैठे हैं उस पर बैठे बैठे आप चलते चलते कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे कर सकते हैं, गाड़ी पर बैठे बैठे भी आप इस उपाय को धीमे 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 डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं पैदल चल के ही जाना है, आप गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल किसी से भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय यदि आपने सही से कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में 21 दिन के अंदर आपके व्यापार में बदलाव आने लगेगा, बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के ताले खुलने लगेंगे, व्यापार बंद है वो भी चलने लगेगा, ग्राहक की नहीं हो रही थी तो वो ग्राहक की होने लगेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उपाय सही तरीके से होना चाहिए। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।